लस्सी जैसी कोई नहीं। अरे टैक्सी की रोक दी मैडम, कोई लफड़ा हो रहा है। उठाइए प्लीज, गाड़ी में बिठाइए प्लीज। अरे मैडम क्यों बेकार के लफड़े में पड़ रही है? बेकार का लफड़ा मतलब क्या है आपका? अरे मैडम इनको उठा के हॉस्पिटल ले जाएंगे, पुलिस का लफड़ा, कोर्ट कचहरी का लफड़ा, ये सब लफड़ा ही तो है। और वैसे भी लगते क्या आपके? कुछ नहीं भी लगते तो क्या हुआ? इंसान का इंसान की तरफ कोई फर्ज नहीं बनता। आप प्लीज इन्हें जल्दी उठाइए, हॉस्पिटल लेके जाना है इन्हें, जल्दी कीजिए। Traveling by Air Mauritius are requested to proceed for security check. जस्सी जस्सी कहाँ हो तुम? देखो आखिरी समय पे मुझे निराश मत करना, बहुत उम्मीदें लगाई हैं मैंने तुमसे। डॉक्टर प्लीज इन्हें देखिए। ओह माय गॉड, इनके तो सर पर चोट लगी है, सीरियस मामला है। आप एक काम कीजिए, एडमिशन के लिए फॉर्म भर दीजिए, मैं इनको स्कैन के लिए लेके जाता हूँ। चलो लेके आओ, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। पेशेंट का नाम? अरमान सूरी। आपका नाम? जसमीत वालिया। आप उनकी बीवी नहीं है? नहीं। तो फिर कोई रिश्तेदार होंगी? नहीं। तो फिर आप उनकी कुछ तो लगती होंगी? मैं उनकी कुछ नहीं लगती, मैंने बस उन्हें सड़क पे देखा था ऐसे जख्मी, तो मैं यहाँ ले आई। डॉक्टर से पूछ के आप पैसे भर दीजिएगा। पैसे? ये लीजिए, इस पर साइन कर दीजिए। हाँ ये। डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ लगता तो है, लेकिन सिर पर चोट है, स्कैन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए। तो एयरपोर्ट जाना था ना मैडम, आप इन्हें रोड से उठाकर यहाँ तक ले आए हॉस्पिटल तक। बस आपका फर्ज पूरा हो गया, अब आप बाकी के लफड़े में ना पड़े तो अच्छा है। अब देखिए ना, पैसा भरना पड़ेगा। आप कुछ देर और रुक सकते हैं प्लीज? आप एक अजनबी के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, तो क्या मैं आपके लिए वेट नहीं कर सकता? मैं बाहर हूँ। वो अब अजनबी ही तो बन गया जो कभी मेरा सब कुछ था। मैं एक फोन कर सकती हूँ? भी कोई नहीं उठा रहा, पता नहीं नंदिनी मैम क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। लगता है जैसी नहीं आएगी। अब अरमान सर ठीक हो ही जाएंगे, डॉक्टर ने भी कह दिया। और मैं तो पिछली बातें भूलकर नई जिंदगी शुरू करने वाली थी ना। पहले ही कदम पर मैं नंदिनी मैम को धोखा नहीं दे सकती। मुझे जाना चाहिए, जाना चाहिए मुझे। पर मैं अरमान सर को इस हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हें खुद को छोड़ के नहीं जाना। जैसी तुम्हें मेरे पास रहना होगा। आई लव यू जैसी। जैसी मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये बहुत है, तुम जानती हो। तुम फ्रेंड्स के मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे आखिरी बार के लिए मिल रहे हो। आपने ये भद्दा मजाक किया क्यों मेरे साथ? आप जानते हैं मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे। आपके लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार थी। आपने एक बार भी पीछे मुड़कर ये नहीं सोचा कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। कहीं मेरी बददुआ तो नहीं लगी अरमान सर को? नहीं नहीं, मैंने अरमान सर का कभी बुरा नहीं चाहा था। मैंने तो उनके झूठ को सबके सामने रखा था बस। मेरा इसमें कोई दोष नहीं। अरमान सर मेरे घर की तरफ ही आ रहे थे, तो क्या उनकी इस हाल की वजह मैं हूँ? हाँ मोनिका बोलो। हेलो मलिका, आई हैव सम टेरेबल न्यूज। क्यों, क्या हुआ? अरमान की कार सड़क के बीच खड़ी है। और अरमान, वो कहाँ है? अरमान यहाँ नहीं है। मैंने पूछा तो किसी ने मुझे बताया कि उस गाड़ी में जो था उसे कुछ लोगों ने बहुत मारा है। What? और हाँ, फिर कोई उसे हॉस्पिटल भी ले गया है। मिस नंदिनी, फ्लाइट का टाइम हो गया और आपने अभी तक चेक इन नहीं किया। मिस्टर मोहंती, 2 मिनट, मैं किसी का वेट कर रही हूँ, बस 2 मिनट में आ जाएंगे। प्लीज होल्ड ऑन। थैंक यू सर। यार इतना जल्दी तुम लोग? बोरी नंदिनी मैम। नंदू नंदू। हाँ जी। ये जस्सी की फैमिली है ना आप लोग? जस्सी कहाँ है? क्या? जस्सी अभी तक नहीं पहुंची? नहीं। आप वो गुलमोहर का नंबर एक बार फिर से ट्राई कीजिए ना। हाँ। आप यहाँ कैसे? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। गुलमोहर छोड़ते वक्त तुमने ये कहा था ना कि हमें तुम्हारी ये भद्दी सूरत दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आपका चेहरा देखने या अपना चेहरा दिखाने का कोई इरादा नहीं था। फिर आई क्यों नहीं? चाहती क्यों नहीं? जा रही हूँ मैं। ओह, अब मैं समझी। अरमान के साथ तुम्हारा बदला अब तक पूरा नहीं हुआ। पूरी ऑफिस के सामने उसे जलील करके तुम्हारा मन नहीं भरा। जैसी क्या कह रही हैं आप मलिका मैम? आप जानते हैं मैं अरमान सर को यहाँ पे, इसीलिए तो तुमने पहले उसे गुंडों से पिटवाया होगा और अब उसे यहाँ पर ले आई ताकि हमदर्दी जताकर से दोबारा अपने जाल में फंस लो। मुझे किसी को अपने जाल में फंसाने का कोई शौक नहीं है, ये आप जैसे लोगों का काम है। एक्सक्यूज मी, ये हॉस्पिटल है, जस्ट बिहेव योरसेल्फ। चाहती क्यों नहीं यहाँ से तुम? जैसी जैसी जा रही हूँ मैं, दोबारा अपनी शक्ल मुझे दिखाने की जरूरत भी मत करना। ये आपसे वादा है मलिका मैम, ये चेहरा आप कभी नहीं देखेंगी। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, आपको अपने आप पर तो भरोसा है ना, तो अपने अरमान का ख्याल रखना। मुझे तुम जैसी घटिया लड़की से सीख लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस मलिका मैम, मुझे आपकी बात सुनने या अपनी बात सुनाने का कोई शौक नहीं है। अरमान सर को किसने मारा और क्यों मारा ये आप खुद अरमान सर से ही पूछ लेना। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। जा रही हूँ मैं। मुझे आज ऐसी लेकर आई, लेकिन है कहाँ पे? जैसे डॉक्टर ले जाती है हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट से मिलना। Attention please. The flight for Mauritius is boarding. We request Ms. Nandini Sharma and Ms. Jasmeet Walia to please report to the check-in counter immediately. Nandini ma'am, वो आ गई जस्सी। Thank God तुम आ गई। बहुत लेट हो गए। बाबा जी का लाख लाख शुक्र है। तो चली कर गई थी बेटा। और बेटा तू तो हमसे पहले ही निकल गई थी ना। अब छोड़िए उन सब बातों को, लेट्स गो। जैसे हम तेरा सब सामान पैक करके लाए। हाँ नंदिनी मैम, आप पापा जी से मिले? पापा जी नंदिनी मैम? हाँ मैं सबसे मिल ली। ये हैव अ ग्रेट फैमिली जैसी। पता नहीं लोग कहाँ चले गए। यहाँ पे तो ताला लगा। Excuse me. Yes. जस्सी घर पे नहीं है। जस्सी वो तो कोई फॉरेन कंट्री जा रही है ना, अभी अभी पूरी फैमिली एयरपोर्ट के लिए निकल गई। क्या? हाँ। Okay, thanks. It's okay. जैसे तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे पास रहना होगा जैसे। जैसे ने आपके बारे में इतना कुछ बताया है और आपने उसका इतना ध्यान रखा, पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। नहीं नहीं, इसमें एहसान की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो मेरी गुड लक है कि जस्सी जैसी काबिल और होनहार लड़की मेरे साथ काम कर रही है। देखिए जी, आप हमारी बेटी को साथ ले जा रही हैं, अब उसका ख्याल रखना भी आप ही की जिम्मेदारी है। जी ज़रूर। बोर्डिंग के लिए टाइम हो रहा है। हाँ आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी फ़्लाइट ना मिस हो जाए। मैम एक बात बताइए कि आप इसको मॉरिशस क्यों ले जा रही हैं? जी मैं वहाँ VLCC लुक ऑफ द ईयर पैजेंट कर रही हूँ उसके लिए। इसका मतलब है कि वहाँ इसको आप पार्टी वगैरह में भी ले जाइए। जी पापा जी प्लीज। देखिए एक बात मैं आपको बेबे, एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूँ, हमारी बेटी पढ़ी लिखी सीधी सादी भोली भाली लड़की है। वो दूसरी लड़कियों की तरह से ड्रिंक्स या पार्टीज वगैरह में नहीं जाती, इसलिए प्लीज फॉर गॉड से अगर आप इसको उन सारी चीज़ों से दूर रखें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्लू देखिए जी, इसकी तरफ से मैं आपकी माफ़ी मांगती हूँ। बेबी मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। लेकिन बिल्लू क्यों जबरदस्ती तुम लोग बीच में रुकते हो मुझे को? देखिए मैडम हमारी लड़की घरेलू है, होमली है, इसीलिए वो सारी चीजें ये सब नहीं कर सकती। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जस्सी का पूरा ख्याल रखूंगी, प्लीज डोंट वरी, ट्रस्ट मी। मिस्टर कहाँ जा रहे हो? भाई साहब मुझे अंदर किसी से मिलने जाना। अंदर मिलने जाना? टिकट है? टिकट नहीं भाई साहब। आप टिकट नहीं है तो बाहर चलो। अच्छा मिलेगा कहाँ से? टिकट बाहर मिलेगी, चलो। अच्छा भाई प्लीज पहले टिकट लेकर आओ बाहर। हाँ मैं फोन करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। जस्सी बेटा अपना ख्याल रखो, आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय मामा। फोन करा। बाय बाय पापा जी। बेटा तुम मैं तैरने बच जाना, ठीक है? सड़क अकेले पार मत करना, किसी भी अजनबी से ना तो बात करना, नहीं उसके खाने की कोई चीज नहीं, समझी तू? सिर्फ एयर होस्टेस से लेकर टॉफी खा सकती है। बड़ों से तमीज से पेश आना बेटा, अपनी पढ़ाई लिखाई अपने माँ-बाप का ख्याल रखना, इज्जत रखना उसकी। ये कुछ और लिखा हुआ है पढ़ लेना, मैं तेरी याद आई बेटा। बाय नंदू। यहाँ कुछ जो कुछ भी हो सबको भूल जाना, कुछ भी याद मत रखना, और खूब मजे करके आना। तू भी भूलने की कोशिश करना, मैं तुझे फोन करूंगी। ओके बाय बाय बाय। चले देर हो रही है, बोलिंग का टाइम। अच्छा ओके बाय बाय। डोंट वरी ओके, चलो सामान लो। बाय। मेरे पापा जी की बातों का बुरा मत मानना। जस्सी डोंट वरी, आई नो। जब परिवार में इतना प्यार होता है तो बिछुड़ना आसान नहीं होता। वैसे तुम ठीक हो ना? पहली बार सबको छोड़ के जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। जो होगा अच्छे के लिए होगा। लेट्स गो। जस्सी, जस्सी बचाओ, जस्सी प्लीज, जस्सी प्लीज बचाओ, जस्सी, जस्सी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.